मैं डॉक्टर आरपी सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। नोनी का रस नोनी के फल से निकाला जाता है। नोनी एक सदाबहार पौधा है जो आमतौर पर भारत जैसे दक्षिणी एशियाई देशों, कैरिबियाई, दक्षिणी अमेरिका देशों आदि में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मोरिंडा साइट्रिफोलिया है। हजारों सालों से नोनी का रस प्राकृतिक रूप से त्वचा को स्वस्थ रखने, शरीर को ऊर्जावान बनाने और सामान्य कमजोरी दूर करने के लिए मशहूर है। इसके अलावा इसका रस जख्म जल्दी भरने और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। नोनी के रस में विभिन्न किस्म के विटामिन, खनिज और अन्य फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यदि विटामिन की बात करें तो नोनी के रस में विटामिन B1 यानी थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नाइसिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन C, एस्कार्बिक एसिड, फोलेट, विटामिन E और बीटा कैरोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। साथ ही इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लौह और फास्फोरस जैसे खनिज भी पाए जाते हैं। नोनी का रस कैंसर से बचाव, लीवर की सुरक्षा, हृदय को स्वस्थ रखने, मांसपेशियों की ऐंठन दूर करने, स्मृति लोप, गठिया जैसे वात रोग और डायबिटीज़ आदि में लाभकारी हैं। नोनी के रस में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीफंगल, जीवाणुरोधी और सूजन रोधी गुण होते हैं जो गठिया और स्नायुक बीमारियों में लाभकारी होते हैं। खमीरी यानी फर्मेंटेड नोनी के रस में क्विनोन रिडक्टेज नामक एंजाइम होता है जिसमें सूजन रोधी गुण होते हैं। एक जर्मनी में हुए एक अध्ययन में बताया गया कि कैसे नोनी जूस सूजन और गठिया का दर्द कम कर सकता है। नोनी सूजन से जुड़ी बीमारियों का बढ़ना रोकता है। इसका रस गठिया जैसे वात रोग में भी लाभकारी है। कई अध्ययनों के मुताबिक नोनी के रस में कैंसर रोधी गुण होते हैं और यहां तक कि उसमें कीमोथेरेपी की स्थिति में भी आराम मिलता है। धूम्रपान करने वाले में कैंसर के खतरे को कम करने के लिए भी नोनी के रस के सेवन की सलाह दी जाती है। रोजाना आधी प्याली तक इसके सेवन से धूम्रपान करने वालों में कैंसर का खतरा कम हो जाता है। विभिन्न किस्मों के अनुसंधान के मुताबिक इसमें स्तन कैंसर से बचाने के लिए भी यह काफ़ी मददगार हो सकती है। नोनी का रस पारंपरिक औषधि है और पूर्वी तथा मध्य प्रशांत के द्वीपीय इलाकों में परंपरागत तौर पर इसका उपयोग शरीर की कमजोरी दूर करने और जीवन की गुणवत्ता तथा ऊर्जा का स्तर बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है। विभिन्न चिकित्सीय अध्ययनों के मुताबिक नोनी के रस में शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाले गुण होते हैं जिससे शरीर की सहन शक्ति, लोच और काम करने की क्षमता बढ़ती है। लीवर की बीमारियों से बचाव में भी नोनी का रस सहायक है। अध्ययनों के मुताबिक इस रस को लीवर को सुरक्षित रखने में मदद करा जा सकता है और लीवर से जुड़ी बीमारियों से बचाव भी करता है। शीघ्र आराम पहुंचाने वाले गुणों के कारण नोनी का रस अर्थराइटिस जैसी बीमारियों में आराम पहुंचाता है। इसमें दर्द और संवेदनशीलता कम करने के भी गुण होते हैं। इसके सेवन से गठिया में आराम मिलता है। नोनी का रस स्मृति क्षीणता, मेमोरी इम्पेयरमेंट से बचाव में भी लाभकारी हो सकता है। कमजोर याददाश्त पर किए गए अध्ययनों के अनुसार इसके सेवन से दिमाग में रक्त संचार बढ़ता है और याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है। नोनी के रस का सेवन डायबिटीज़ में लाभकारी हो सकता है। एक अनुसंधान के मुताबिक यह टाइप 2 डायबिटीज़ का जोखिम कम करने में भी काफ़ी प्रभावी है। वैज्ञानिक साक्ष्यों के अनुसार इसके सेवन से ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, सीरम ट्राइग्लिसराइड्स और कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा यह इंसुलिन संवेदनशीलता और ग्लूकोज का उपयोग बढ़ाने का भी काम करता है। नोनी का रस प्राकृतिक रूप से आपका सौंदर्य बढ़ाने और त्वचा की देखभाल में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और सूजन को कम करने वाले गुण त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह आवश्यक फैटी एसिड भी इसमें मौजूद होती है जो शरीर में वसा और तेल के मूलभूत अंग
के तौर पर काम करते हैं। नोनी में पाए जाने वाले बैक्टीरियल रोधी और सूजन कम करने वाले गुण मुहासे, त्वचा की जलन, एलर्जी जैसे त्वचा विकार दूर करने में मदद करते हैं। नोनी का रस चेहरे की त्वचा की सूजन कम करने में भी मदद कर सकता है। सूजन प्रभावित क्षेत्र पर इस रस को लगाएं और 15 मिनट के बाद ताजे पानी से धो लें। इसके अलावा यह सलवटों और झुर्रियों से बचाव में भी काफ़ी मददगार है। अध्ययनों में पाया गया कि नोनी का रस प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाले तत्व IFN गामा साइटोकिन्स को भी ज़्यादा बनाने में मदद करता है। नोनी में जल्दी घाव भरने के भी गुण होते हैं। नोनी का न केवल रस बल्कि इसके पत्ते भी लाभकारी हैं। नोनी के पत्तों की चाय पाचन तंत्र के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। पत्तों को दर्द वाले स्थान पर लपेटने से गठिया का दर्द कम हो सकता है, पर इन सब के बीच नोनी के रस का कुछ नुकसान भी है। नोनी के रस में पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए इसका सेवन उच्च रक्तचाप से जुड़ी दवाइयों के साथ नहीं करना चाहिए। जो किडनी की समस्या से पीड़ित हैं उन्हें भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। कई वैज्ञानिक अध्ययनों में नोनी के रस को सुरक्षित बताया गया है, लेकिन गर्भावस्था या स्तनपान जैसी संवेदनशील स्थिति में इसका सेवन करने से पहले आप चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। धन्यवाद।